इनका क्या करूं? या बस्ती, तू छुपा नहीं पाएगी। मेरा देख, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लकी, अच्छा ब्रा की जगह ट्यूब पहन लेना। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। गुड आइडिया, पर मेरे पास है नहीं। मेरे पास एक एक्स्ट्रा है शायद। Here you go. क्यों? You're nice ones, huh? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? Thank you. अगर मैं लड़का होती तो I would have grabbed them right now. अच्छा तो लड़का नहीं है। लड़का नहीं हूँ फिर भी I can grab them. है ना बूढ़ी? अरे क्या हुआ चंद्रिका, काहे इतनी परेशान हो रही हो? चीची देखिए ना, हम कल ही तो इस घर में आए हैं और आज इनके जाने का बुलावा आ गया, ये जा भी रहे हैं। अरे तो अच्छी बात है ना, तुम्हारे आने से उसका नया काम शुरू हो गया है। और एक पति को और क्या चाहिए एक पत्नी से? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तुम इतनी खूबसूरत हो, जवान हो और तुम्हारे कदम भी इस घर के लिए बहुत शुभ है और तुम्हारे दिनेश बाबू के लिए भी। चल झूठा। वैसे हमें बात कुछ और ही लग रही है। हम सोच रहे हैं कि तुम इसलिए परेशान हो कि अब उनके जाने के बाद तुम रात कैसे बिताओगी? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अरे चंद्रिका, अभी जाएंगे और जब आएंगे तब सुहाग रात पर सुहाग रात मनाएंगे। थोड़े समय की दूरी है, थोड़ा तड़पने तो दो, फिर जब तुम दोनों मिलोगे ना तब दुगना मजा आएगा। और अगर नहीं आता है ना तो हम है ना तुम्हें मजे देने के लिए। रियलाइज कुनाल, तुमसे ज्यादा प्यार मुझे और कोई नहीं कर सकता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुको जरा, सबर करो। अब मैं कभी इंदौर छोड़ के नहीं जाऊंगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। एक्चुअली तुम्हें जाना होगा कुनाल, वो रौनित आया है ना, हमें रूम नहीं मिल रहा था सोचा तुम्हारा यूज कर लेते हैं। गाना बजाओ। ये भगवान, कैसे रहते हो तुम लोग? मम्मी मेड आती है ना सफाई करना। हाँ दिख रहा है मुझे कितनी सफाई करती है। मेरे तो एल लग गए। प्यारी समझ गई। केले बहुत पसंद है ना तुझे? यही नहीं, अभी और सुनिए। कब से चल रहा है ये सब कुछ? 1.5 साल। 1.5 साल से लिविंग में हो तुम लोग? मम्मी लिविंग में नहीं है हम, ये अब सब पता है मुझे, मैंने तेरे कबर्ड में उसकी कच्चियाँ देखी है। I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards and scams, hitting the licks in the... Okay, बस। क्या हुआ? मुझसे नहीं होगा। पर मैं बस किसी तो कर रहा हूँ। हाँ पता है, पर अगर ज्यादा किया तो कुछ और करना पड़ेगा। I love you, तुम मुझसे प्यार करती हो? राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो? वैसे बांसुरी तो बजा सकती हो ना? ब्लाइंडर सभी बाकी है। मुझे लगा
लगा तो मेरी फीलिंग्स की कद्र करते हो। मैंने बोला ना, मुझे ये सब शादी के बाद ही करना है। तुम सात लड़कों के साथ सो चुकी हो। वो छह लोग थे, सात नहीं। एक की बांसुरी लंबी थी तो उसे डबल गिन लिया। अरे भाई कल कहाँ गए थे? मरवाने गया था। लड़की नहीं मिल रही तो मरवाने शुरू कर दे। बहुत बकचोद हो गए यार। हाय भूपेश। भूपेंद्र क्या हाल है पूर्वी के? भूपेंद्र आई यू ओके? कल तक तो यू वर एकदम नाइस और डिसेंट। अरे डिसेंट विसेंट छोड़, एक बात बता, चलती क्या? आई लव यू टू। मुझे तो हमेशा से सेल्फ बंदा चाहिए था। मुझे भी हमेशा से तेरी जैसी बंदी चाहिए थी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ए, ठीक है आप। मैं प्रिया के साथ बैंकॉक जा रहा हूँ। पूल में स्विमिंग करने घर से बाल्टी भर के पानी नहीं ले जाते। घर वालों को हमेशा की तरह यही बोला कि मैं सोनू सत्तू सीटी के साथ जा रहा हूँ और पापा ने छोड़ देगा सबसे मिलवा। मुझे नहीं पता, मुझे भी किसी के दिल में। इस बात के ऊपर 64 मुखों की सलामी बनती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। पापा तो मैं इन तीनों के साथ ही जा रहा हूँ बैंकॉक। आप कह रहे थे ना मिलना है, तो मिल लो। अच्छा बताओ भाई कैसे कैसे जा रहे हो, क्या करने? 69 करने। 69 करने? 69। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मजा बाबू तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं तेरे लिए चांद को तोड़ दूंगा, सूरज को फोड़ दूंगा, तू एक बार हाँ कर दे। इसकी माँ चोद दूंगा, इसकी बहन चोद दूंगा। बहन चोद, मदर चोद, चूतिया साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझेगा। इतने दिनों लंदन की बात कर रहा था, लंदन में खड़ा था सर्दियों के दिन, बहुत जबरदस्त एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था, वजन कराने वाली मशीन के पास एक लड़की आई, भयंकर सर्दी थी, उसने सिक्का डाला, वजन निकाला 77 किलो, एक ओवरकोट पहना हुआ था वो उतारा, फिर सिक्का डाला 75 किलो, एक कार्डिगन पहना हुआ था वो उतारा, फिर सिक्का डाला 73 किलो, एक जैकेट पहना हुआ था छोटा, फिर वो उतारा, सिक्का डाला 71 किलो, अब सिक्के हो गए खत्म। मैं खड़ा था पीछे, मैंने कहा चिंता मत करना। मैंने कहा भीख मांग के सिक्के ला के दूंगा पर कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। सुनना, आई लव यू। मुझसे क्यों प्यार करते हो? क्योंकि 150 रुपया देता हूँ एक शॉट का। इतनी सस्ती थोड़ी ना। सुन, वो तेरा बॉयफ्रेंड कोई दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। हाँ मुझे पता है। तुझे पता है तो भी तो कुछ भी नहीं कर रही है। अरे यार प्यार तो दिल से होता है, जबरदस्ती से नहीं। और भले वो मुझसे प्यार नहीं करता पर मैं तो करती हूँ ना। कोई सेंस है इस बात की? What's up everyone? So guys, आज मैं इतने टाइम बाद अपनी बालकनी में अपनी प्राण मराना चाहता हूँ, क्योंकि It's the most beautiful feeling in the world. तुम्हें गांड में दर्द नहीं होता? नहीं। क्यों? आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। कमजोरी नहीं लगती आपको? बिल्कुल नहीं। अच्छा तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। A few moments later. टपाटप टपाटप टपाटप, मालूम ना? So, कैसा लगा नजारा? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बड़वा साला। और आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है, शेयर इट।
पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।